में गारंटी कानून नहीं बनाएगी। किसान का भला तो उनसे भी नहीं होने वाला, लेकिन वो है कि अगर वो हो जाएगा तो कुछ बगैर ऑक्सीजन के किसान जिंदा रह सकता है। अभी तो ऑक्सीजन पे है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि 80% छोटे किसानों को अब लाभ देने का काम कर रही है। अब किसान छोटा बड़ा हो गया, मतलब कंपनी है बड़ी, तो जिसने 67 गांव की जमीन, 68 गांव की जमीन खेती करने के लिए लेती है, वह है बड़ी। तो किसान कहां बड़ा है? किसान तो सारा छोटा ही है। मतलब आप ये कह रहे कि जो आंदोलन चल रहा है वो बड़े किसानों का है, छोटे किसानों को हम लाभ देना चाहो। हमने भी ये कह दिया भाई 2022 में आमदनी दुगनी होगी, प्रधानमंत्री ने कहा। अब आपके बीच में कोई लोग आए, 1 जनवरी से जो भी चीज बिकेगी उसका रेट दुगना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे। ये तो ठीक है भाई, प्रधानमंत्री देश का कम से कम 8 साल में सुधार मार रहा, तो 8 साल में से ही वे पिछले 5-6 साल से वो कर रहे, क्योंकि इन्होंने तो घोषणा पहले ही कर दी थी 6 साल पहले। अब हमारी अगर सरकार दोबारा आई तो 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी कर दो, आपके बीच में लोग आएंगे, उनसे पूछना आमदनी दुगनी दे दे भाई, कणक का रेट दे दे 4,000 रुपया, प्रधानमंत्री ने कहा। कोई और क्वेश्चन उनसे करना ही नहीं। गन्ने का 650 रुपया बैठता है, बाजरे का 4200 रुपया क्विंटल बैठे है, मूंग अगर यहां पर होती होगी तो उसका 14,600 रुपया बैठेगा। तो ये जो सारे रेट हैं, आमदनी दुगनी की बात ये करेंगे, ये कुछ नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक स्तर पे वेयर हाउस गोदाम बनाएंगे। जो अपने एफसीआई के गोदाम थे वे तो रिलायंस और अडानी को बेच दिए, और अब कहा कि नए बनाएंगे। अरे बना हुआ पहले सिस्टम था, वो तुमने बेच दिया। एक कोठड़ा तुम्हें बनाना नहीं किसी को, सारा बेचने पर लगे हुए हो। 7 साल में आधा देश बिक लिया, और ये 3 साल में ये आदेश जो कुछ हो जाएगा ऐसा और बेच के, और इनका पता नहीं ये कहां जाएंगे। फिर रिलायंस बेच दी, रिलायंस को बेच रहे हैं, अडानी को बेच रहे हैं। ब्राजील जो एक देश है वहां पर 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन है। जैसे आपका उत्तराखंड तो एक आदमी पर जमीन है पूरे पे, इतने बड़े बड़े काश्तकार है। शुगर फैक्ट्री वहां पर 4 लाख क्विंटल की शुगर फैक्ट्रियां हैं। जब ये मॉडल उनका लेकर आना चाहते हैं यहां पे, उन कंपनियों को खेती करने की तैयारी करवा दे, उसकी तैयारी चल रही देश में कि भाई जमीन छिन्नो, गोदामों में अनाज को बंद करो, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें देश में तय होगी। ये जो गरीब आदमी है, जो दुकानदार है, हर आदमी उससे प्रभावित होगा, महंगाई से प्रभावित होगा। किसान है 2 फसल पैदा करता है, 4 फसल पैदा कर लगता है, लेकिन वो 70 चीज बाहर से खरीदता है, इलाज सबका होगा। आप ये सोचते होंगे गेहूं और दाल से ही काम चल जाएगा उससे, जीरी से दूसरी चीजें भी तो चाहेंगे। ये सबका स्टोरेज करेंगे। आपके यहां बाजरा नहीं होता तो बाजरा दिल्ली में 120 रुपये किलो तक आटा बेचते हैं ये। आपके यहां पर उड़द पैदा नहीं होता तो ये उड़द के महंगे रेट देंगे, उड़द वाले को लुटेंगे, यहां पे महंगा देंगे। जो बीज का काम है वो ये कंपनी करना चाहती है। अब भोजन पे अधिकार जमाना चाहती है। पहले जो राजा होते थे, आज से अगर 100, 150, 200, 300 साल हम पीछे जाए तो राजा का मतलब था कि अनाज पे अगर अधिकार है तो राजा का अधिकार होता था। अभी उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं करना, सोना महिलाएं 1 साल में 17 बार पहनती है, ध्यान से सुन लेना, सोना महिलाएं 1 साल में 17 बार पहनती है, भूख 1 साल में आदमी को 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं, रोटी का व्यापार देश में होगा। रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनने देनी, रोटी जरूरत की चीज है, ये रोटी को बाजार की वस्तु बनाएंगे। लोग यहां पे भूख से मरेंगे, जिस तरह से ऑक्सीजन से लोग हॉस्पिटल के बाहर मरे, लोग भूख से मरेंगे। अनाज पे बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा, देश आर्थिक रूप से गुलाम होगा। ये जंग है, ये लड़ाई है,
इसको उसी तरह से लड़ना है। जैसे कहते थे प्रधानमंत्री कोरोना को जंग कहेगा, तो उसने कहा के बहुत बढ़िया बात कही, हमने किसानों ने इस आंदोलन को जंग कह दिया, कह लगे तो लड़ाई की तैयारी कर रहे। हाँ, लड़ाई की तैयारी कर रहे, हमने जंग लड़ी। जो योद्धा आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनने सर्दी से जंग लड़ी, उनने गर्मी से जंग लड़ी, उनने बरसात से जंग लड़ी, हमने जंग लड़ी। अपने ट्रैक्टर जो किसान का टैंक है उसके साथ हमें लड़ी। आने वाले टाइम पे भी आपका जो मददगार होगा वो ट्रैक्टर ही होगा। हमारे जो युवा है, जब वो बॉर्डर पर जाता है तो टैंक चलाता है, जब अपने खेत में आएगा तो ट्रैक्टर चलाएगा, और जब घर में अंदर बैठ के करेगा तो ट्विटर पे काम करेगा। ये तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। मीडिया आपके साथ नहीं है, ये सोशल मीडिया को छोड़ दे, एक आध चैनल को छोड़ दे, आपके साथ नहीं है। सत्ता वाले आपके खिलाफ हैं, विपक्ष वाला भी कान नहीं भड़का रहा, वो भी चुपचाप बैठा। जो नौकरशाही है वो आपके खिलाफ है, उद्योगपति आपके खिलाफ है, आपके साथ में कोई नहीं। आपका जो साथ है वो ऊपर ले वाले का है, उस पर आपको ध्यान, इस जंग को वही जिताएगा, उस पर ध्यान रखना। अपने कर्म पर ध्यान रखो, अपने खेत पर निगाह रखो, और दिल्ली के आंदोलन पर निगाह रखो। आपके जो 40 योद्धा हैं जिस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वे कोई कमजोर नहीं है, उनके पीछे बाबाओं का हाथ है, उनके पीछे लंगरों का हाथ है। कोई आंदोलन जब फेल होता है, फौज जब वापसी मुड़ती है, जब वो भूखी रहती है, यही तो फौज का सिद्धांत है कि फौज की फूड सप्लाई चेन ना कटे, वो नहीं कटने की। मशीन लगा रखी सड़कों के ऊपर, जहां को हाईवे चलता था वहां पर मशीन लग रही है। आने वाले जब 50 साल बाद में कोई आएगा, जो बच्चे अभी दो दो तीन तीन और दस दस साल के, वे कहेंगे जिस आंदोलन में यहां पर हम भी रहे, यहां पर हमने रोटी खाई बैठ के इस जगह पे, वो देखेंगे। जिस आदमी ने मेरठ का आंदोलन देखा, जब हम मेरठ के किसी भी गांव में जाते हैं तो हम सिर्फ एक बात पूछते हैं कि इस घर से दो प्रसादे बना के भेजे, तो वे कहते हैं जी हमारे घर से भी गया, हमारी माताओं ने यहां से रोटी लंगर बना के भेजा इस आंदोलन में। तो यही आंदोलन याद करा जाएगा, कोई इस आंदोलन में वहां तक गया वो नहीं गया, किसी ने इस आंदोलन में एक मुट्ठी अनाज दिया उसका भी सहयोग, किसी ने तन से सेवा करी, किसी ने धन से सेवा करी, किसी ने मन से सेवा करी, किसी ने भाव से सेवा करी, उन सबका धन्यवाद है। ये आंदोलन सबका है, और ये आंदोलन को यूथ जिताएगा। पहले आंदोलन में युवा कम आता था, वो खेती से नफरत करता था, आज अगर आपकी जान बचाएगा, आपका रोजगार होगा, तो इसी आंदोलन से, इसी खेत से आपको रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। आपको जमीन नहीं बेचनी, जो आदमी जब जमीन बेच देगा, कोई व्यापार कर लेना, उस जमीन को दोबारा नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं बेचनी, इसी में ही रोजगार पैदा करने हैं। आप यहाँ पे रुके हुए हो, बहुत टाइम आपको हो गया, आगे भी संगत बैठी हुई है, और ये यात्रा किसान क्रांति यात्रा, किसान तिरंगा यात्रा जो नानक मत्था गुरु घर से शुरू हुई, ये आगे तक जाएगी, और हम रात तक उम्मीद है कि मंजिल के कुछ वहां तक पहुंचेंगे। अभी 5 तारीख का बड़ा प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में है, आप लोग सब उसमें भी आए, बड़ी पंचायत होगी। रास्ता किसी को कहां तक मिलेगा, एक मेला है, उस मेले को देखने जरूर आओ। मेला जब पड़ता है, जब सब लोग आते हैं, वहां पे बड़े संख्या में लोग आएंगे, मिलेंगे वहां पर, आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होगा, तो घर वापसी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज, प्लीज क्लिक द बेल आइकन।